आज बनाने वाली बहुत ही हेल्दी रेसिपी, दो दो रेसिपी बनाऊंगी, दोनों ही बहुत ही हेल्दी एंड वेरी टेस्टी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो देखिए, आज मैं बहुत स्टाइल के साथ में वीडियो स्टार्ट कर दी, तो कैसे लगता है कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, और मेरा रेसिपी कैसे बनता है वो भी बताइएगा। सो देखिए, मैं आज कद्दू दाल बनाऊंगी एंड पॉम्पकिन भाजी बनाऊंगी, तो देखते रहिए। मैं आज मिक्स दाल से कद्दू दाल बनाने वाली हूँ, तो मैं धो के अच्छा से उसका अंदर प्याज एंड कटा हुआ मिर्ची एंड सॉल्ट देके उबालने के लिए रख दी। मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, 4 सीटी मारूंगी, उससे हाफ पक जाएगा दाल। तो उधर दाल पक रहे और दूसरी तरफ मैं कद्दू को काट कर लूँगी। इतनी बड़ी चाकू ले लिया, उसमें तो बिल्कुल भी धार नहीं था, काले ली मैंने चाकू को। आदमी बोला था बहुत ही धार है, तो उन्होंने आई थिंक ठीक से धार नहीं कर पाया था, इसके लिए नहीं हुआ। सो कैसे भी तो काट कर ली मैंने। काट करने के बाद मुझे जितना चाहिए था उतना मैंने ले लिया, लेके मेरे हिसाब से मैं काट करूँगी। पहला तो छिलका निकाल लेती हूँ। तो कद्दू दाल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए सब कुछ ही करूँगी, एंड ये तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी गाइस, सबको आई थिंक बहुत पसंद है। मुझे तो डेली नहीं, कभी कभी पसंद है, महीना में 2-3 बार मैं खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कद्दू दाल एंड ये। सो देखिए, मैंने कद्दू को दाल लिया एंड मुझे जैसे शेप में चाहिए था, जो साइज़ में, वो मैं ऐसे काट कर ले रही हूँ। तो मैं बड़ा साइज़ में काट कर लूँगी, क्योंकि कुकर में 1 सीटी तो मारूँगी, इसके लिए कद्दू क्या है ना पक जाता है जल्दी, इसके लिए। तो देखिए, कद्दू मेरा काटना हो गया और अभी दाल देख रही थी कितना पका है। सो दाल देखे तो मेरे हिसाब से गाइस पक गया था एंड जैसे ही मुझे चाहिए था, देखिए 50% ही पका था। अब मैं जो कद्दू काटा हुआ है वो दाल में शिफ्ट कर दूंगी। तो दाल में देने के बाद ही इसको 1 सीटी, जस्ट 1 सीटी मारने के लिए वापस मैं गैस पे रख दूंगी, हल्का सा हल्दी डाल के। हल्दी देने का मतलब ये है गाइस, अभी तो उसमें कलर भी अच्छा है, मैं अक्सर नहीं देती हूँ दाल में। इस टाइम क्या किया है मैंने, देने से क्या कद्दू का अंदर भी अच्छा जाएगा, कलर भी अच्छा दिखेगा। एंड उधर तो दाल मेरा पक रहा है, दूसरी तरफ मैं पॉम्पकिन काटा हुआ नहीं दिखाई, ये थोड़ा कावला पॉम्पकिन था, तो मेरे जैसे शेप में चाहिए। मैं बड़ा बड़ा साइज का पॉम्पकिन को काट कर लिया। पॉम्पकिन काट करने के बाद अब मुझे जो सब्जी के लिए जो कुछ भी चाहिए, दाल के लिए, सब्जी के लिए, ऑनियन, टोमेटो, धनिया पत्ता, सब कुछ मैंने एक एक करके काट कर ले रही हूँ, क्योंकि एक साथ में काट करके लेने से ऐसे लगता है जल्दी काम हो जाता है, इसलिए मैं धनिया पत्ता सब कुछ काट करके अब देखूंगी दाल कितना हुआ है क्या नहीं। तो दाल को मैंने नीचे उतार के अब मैं पॉम्पकिन भाजी स्टार्ट कर दूंगी। पॉम्पकिन भाजी के लिए मैं देखिए फ्राई पैन में, एक कढ़ाई में तेल ले लिया 1 कप, जैसे आधा स्पून टी स्पून ले लिया राई, आधा टी स्पून जीरा, 2 सूखा मिर्च। देखे फ्राई होने के बाद अब दे दूंगी काटा हुआ पम्पकिन। पम्पकिन देने के बाद ऊपर से दे दूंगी काटा हुआ ऑनियन, काटा हुआ लहसुन एंड 3-4 मिर्ची एंड टेस्ट हिसाब से आपका सॉल्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, कलर के लिए हल्का सा कश्मीरी मिर्ची यूज करूंगी। इसमें क्या होता है गैस, एंड स्लो आंच में 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दूंगी। एंड दूसरी तरफ तो मेरा राइस पक रहा है, अब देखूंगी दाल का हालत क्या है गैस। सो गैस देख सकते हैं, मुझे जैसे चाहिए था सेम वैसे दाल पका है एंड कद्दू भी अक्का अक्का है, बिल्कुल भी टूटा नहीं, बट उसको पक गया है। अब मैं दाल को तड़का लगाने के लिए लहसुन का पहला टीस लूंगी। तो देखिए, लहसुन को जैसे चाहिए मैंने वो भी टीस लिया। एंड गैस जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही हेल्दी है, अम्मी है, आई थिंक आप लोग को अच्छा लगेगा। सो देखिए, तड़का लगाने के लिए मैं थोड़ा सा तेल ले लिया, उसके अंदर राइस एंड जीरा का ना एंड लहसुन, कड़ी पत्ता, फ्राई होने के बाद सब कुछ, ऊपर से टमाटो दे दूंगी। टमाटो देने के बाद हल्का सा हल्दी, क्योंकि मैं हम लोग हल्दी पहला थोड़ी सी दिया था और अभी थोड़ा और हल्दी दे के फ्राई होने के बाद ऊपर से जो कद्दू दाल का ऊपर से तड़का लगा के जो फ्राई पैन था उसको धो के हल्का सा पानी शिफ्ट कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, देख के हल्का सा उसको पकाऊंगी। पकाने के बाद देख सकते गैस कितना अच्छा कलर है, सिर्फ कलर नहीं गैस खाने में भी बहुत यम्मी हुआ था। एंड दूसरे टाइम देखो ऑलमोस्ट राइस मेरा होने वाला है, एंड जो पम्पकिन का भाजी भी गैस आधा पक चुका है 10 मिनट्स के बाद, अब देख रहा था। तो पकने के बाद और थोड़ा सा पकाने के लिए रख दूंगी स्लो आंच में, और इधर मेरा दाल भी ऑलमोस्ट होने वाला है।
तो थोड़ा सा धनिया पत्ता देने के बाद ही इसको और 2 मिनट पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। मेरे वीडियो कैसे लगता है गाइस, कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। रेसिपी कैसे लगता है कमेंट में बताएं। सो गाइस, मेरा वीडियो कैसे लगता है वो भी अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो खाना बनाते वक्त किचन सबका तो खराब होता है ना, तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही थी, क्लीन करके क्योंकि दाल मेरा इधर शिफ्ट करने का, इधर मैं देखिए पम्पकिन के भाजी भी हो गया है, जस्ट थोड़ा सा पकाऊंगी, धनिया पत्ता दे दिया। एंड मेरा इधर रोटी बनाने का है, रोटी बनाने के लिए आटा भी गूंद लिया, आटा गूंद के रोटी बनाने का। आज मैं सोचा था मिट्टी का तवा पे बनाऊंगी, पहली बार बनाने वाली थी, बट मिट्टी का तवा में नहीं हो रहा था, चिपक जा रहा था, इसके लिए फ्राई पैन में रोटी बना रही थी। आज रोटी फुलका नहीं बनाई, तवा में जस्ट ऐसे फ्राई कर लिया, क्योंकि बहुत लोगों ने बोलता है गैस पे सेकना अच्छा नहीं, उसमें प्रॉब्लम होता है, इसके लिए जैसे ही बनाई। दर रोटी बन गया, राइस बन गया, दाल भी हो गया, अब मैं भाजी भी हो गया, तो एक बाउल में शिफ्ट कर देती, बाउल भी देखिए। सो गाइस, दोनों ही रेसिपी मेरा बहुत यम्मी बना था। आज क्या क्या बनाई थी लास्ट दिखा देती हूँ। राइस बनाई थी, रोटी बनाई थी, एंड जो आप लोग देखा है पम्पकिन भाजी कद्दू दाल, तो आप देख सकते हैं मेरा खाने का कलर कितना, सिर्फ कलर से नहीं गाइस, बना के देखिएगा, बहुत यम्मी है। सो कैसे लगा गाइस कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।